फॉर्मेशन ऑफ होल्स, देखो फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ होल्स का मतलब कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड में से निकल के कंडक्शन बैंड में चला जाए तो अपनी जगह खाली सीट छोड़ जाता है। उस खाली सीट को हम क्या बोलते हैं? वैकेंसी। उस वैकेंसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है क्योंकि वो डेफिशिएंसी किसे क्रिएट हुई, उस वैकेंसी को बोलते हैं एक होल क्रिएट हो गया। तो अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम से इस कॉन्सेप्ट को समझाऊं तो लेट अस सपोज ये आपके पास वैलेंस बैंड है, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है। सपोज वैलेंस बैंड में ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सपोज एनर्जी मिलते ही जीरो केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, हम बात सेमीकंडक्टर्स की कर रहे हैं, तो जीरो केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, ज़रा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, अपनी जगह क्या छोड़ गए? वैकेंसी। इस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? होल। तो इमेजिन करें अगर ये 5 स्टूडेंट्स अपने आखिरी बेंच को छोड़ के, आप आखिरी एनर्जी लेवल को छोड़ के कहीं घूमने चले जाते हैं फ्री टू मूव, तो अपनी जगह 5 सीटें छोड़ जाते हैं तो क्या है? वैकेंसी, 5 होल्स क्रिएट हो जाएंगे। क्वेश्चन ये राइज होता है होल्स की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे? ठीक है, चले गए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसने करनी है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने करनी है, फिर होल्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? सेमीकंडक्टर्स में होल्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वो इसलिए क्योंकि देखो एनर्जी लेवल से तो मैंने समझा दिया आपको कि सीट क्रिएट हो जाती है उसको होल बोलते हैं, लेकिन अगर हम क्रिस्टल के अंदर देखें, स्ट्रक्चर में देखें, स्ट्रक्चर के अंदर ये जर्मेनियम 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 है सारे, ये बॉन्ड बना के रखा हुआ है, सब बॉन्ड्स बिल्कुल बने हुए हैं सारे। इमेजिन करो एक बॉन्ड टूट गया, जब एक बॉन्ड टूटता है एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वो फ्री टू मूव है, और जब वो फ्री टू मूव है इसका मतलब कौन से बैंड में है? कंडक्शन बैंड में है। जब वो यहाँ बैठा था एटम के अंदर कौन से बैंड में है? वैलेंस बैंड में है। तो आपका इलेक्ट्रॉन अपनी सीट छोड़ के भाग गया, यहाँ पर क्या क्रिएट कर गया? होल, और इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्री टू मूव है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। होल का क्या फायदा है? होल पॉजिटिव सीट को बोलते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मानना चाहता है। अब होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मान लो एक तो एक होल की बात हो रही है, तो कई होल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कई बॉन्ड टूटेंगे, मान लो 100 होल्स क्रिएट हो गए, 100 सीटें क्रिएट हो गई। जब 100 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो जैसे 7 वाला इलेक्ट्रॉन है यार, वो देखेगा यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, तो नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव सीट, इसको जरा सी एनर्जी मिली कि बाहर निकला और यहाँ पर आके बैठ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? होल। फिर पड़ोस का इलेक्ट्रॉन देखेगा, अच्छा यहाँ पर होल है, ये जरा सा टेम्परेचर लेगा फ्री होगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, तो होल यहाँ पर आ गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं ऐसी होल्स भी ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा ऐसे समझते हैं, 5 स्टूडेंट पीछे बैठे हैं बेंच पे, वो मान लो आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एनर्जी मिली वो भाग गए, 5 सीटें क्रिएट हो गई, उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं अच्छा बेंच खाली है, उनका भी तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वो जाके उस बेंच पे जाके बैठ गए, अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज, अपनी जगह क्या छोड़ गए? बेंच खाली, होल्स। फिर थर्ड लास्ट ने देखा अच्छा बेंच खाली है, वहाँ जाके बैठ गए। तो इमेजिन करो कि बेंच भी ट्रेवल कर रहे हैं, एक्चुअल में बेंच ट्रेवल नहीं करते, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल कर रहे हैं, होल्स पे जाके जब इलेक्ट्रॉन बैठते हैं अपनी जगह होल क्रिएट कर देते हैं। अब इमेजिन करो कि ये क्लास क्लास नहीं है, ऐसे तो कई क्लासे लग रहे हैं पूरी लाइन में, ये एटम है, ये जर्मेनियम का एटम है और आप सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप तो कहीं जाने से रहे क्योंकि न्यूक्लियस बैठे, जाएगा कौन? वो आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भागेंगे। तो ऐसे बहुत सारी क्लासेस लग रही हैं, सभी जर्मेनियम के एटम्स हैं सारे क्लासरूम, ऊपर से टेम्परेचर बढ़ा तो मान लो 5 बच्चे यहाँ के भागे, 5 दूसरी क्लास के, 5 तीसरी क्लास के, 5 चौथी क्लास के, सभी एटम के खाली हो गए, होल्स ही होल्स क्रिएट हो गए। अब ये मूव भी करेंगे, जब मूव करेंगे तो उधर के स्टूडेंट यहाँ पे जाकर बैठ सकते हैं, इधर के वहाँ जाके बैठ जाएंगे, तो कभी वहाँ होल क्रिएट कर रहे हैं, कभी यहाँ होल क्रिएट कर रहे हैं, पर याद रहे होल क्रिएट होगा क्लास में ही, होल मूव फ्री टू मूव नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं नीचे कहीं भी होल मूव कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि बेंच तो क्लास में पड़े हुए हैं, क्योंकि जो होल्स हैं वो क्रिएट हमेशा कहाँ पर होने वाले हैं? वैलेंस बैंड में ही होंगे, और वैलेंस बैंड का मतलब ये बैंड जो एटम के अंदर जो आखिरी शेल है वो वैलेंस बैंड है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो होल्स की क्रिएशन जो है वो वैलेंस बैंड में ही होने वाली है, इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, वो कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि होल की जो मूवमेंट है वो किसी भी स्ट्रक्चर में कैसे होती है,
और एनर्जी लेवल डायग्राम से कैसे होती है? तो अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ से चार होल क्रिएट हो जाते हैं तो चार इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, तो चार इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कहाँ पहुँच चुके हैं? कंडक्शन बैंड में, और अपनी जगह क्या छोड़ चुके हैं? चार होल छोड़ चुके हैं, कहाँ पर? वैलेंस बैंड में, क्योंकि वो तो एटम के अंदर ही क्रिएट होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? और भी फायदे हैं होल्स के, मैं बताता हूँ कैसे। तो पहला पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, तो ये फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर्स दो तरीके से समझाता है, फ्रॉम एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल मैंने आपको समझा दिया कि अगर ये मान लो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, सात होल्स क्रिएट कर गए। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सात इलेक्ट्रॉन चले गए, सात होल्स क्रिएट कर गए। तो अब इसके अंदर एट जीरो केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्शन बैंड में तो कुछ जाएगा ही नहीं सेमीकंडक्टर में, जीरो केल्विन में सब वैलेंस बैंड में बैठे रहेंगे। एज नो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन क्रॉस द एनर्जी गैप एंड गो टू द कंडक्शन बैंड, बट एट हायर टेम्परेचर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, थर्मल हीट लेके वो कहाँ चले जाएंगे? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में चले गए। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड, तो इस वैकेंसी को क्या बोलते हैं? होल। तो होल इज कंसिडर्ड एज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल। द होल इज कंसिडर्ड एज एन एक्टिव पार्टिकल इन द वैलेंस बैंड एज इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, वो कह रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एक्टिव पार्टिकल मूवमेंट शो करता है, ऐसी वैलेंस बैंड में होल्स की मूवमेंट होती है। तो होल्स वैलेंस बैंड में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं। तो क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर दो पार्टिकल्स की मूवमेंट होने वाली है, इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन बैंड में, और पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल्स की वैलेंस बैंड में। तो यहाँ पर दो किस्म का करंट क्रिएट होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में करंट कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और होल्स वैलेंस बैंड में करेंगे। और जो टोटल करंट होता है सेमीकंडक्टर का, वो सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड होल करंट के इक्वल होता है। जो टोटल करंट है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से भी माना जाता है और होल की मूवमेंट से भी माना जाता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो टोटल करंट इसके इक्वल रहता है, राइट। तो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन, एंड ऑल्सो मोशन ऑफ होल्स इन वैलेंस, करो यहाँ पर वैलेंस बैंड, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। जबकि कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं करंट में, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं और होल्स भी करते हैं, क्लियर है। इसलिए होल्स का समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसलिए होल्स को पढ़ाया जा रहा है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर से क्लियर है, समझा दिया मैंने, बॉन्ड टूटा तो एक होल क्रिएट हो गया और इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक।